हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आ चुका हूँ मैं आप सबके बीच एसएससी जेई 2020 के लिए फुल स्ट्रेटजी लेकर के। यानी कि दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जो आपकी नई वैकेंसीज आई हुई हैं एसएससी जेई की, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जेई का फॉर्म कब स्टार्ट हुआ था और इसकी लास्ट डेट क्या है। देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीटेक के या फिर डिप्लोमा के, वे सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। अभी दोस्तों ये क्लियर नहीं हुआ है कितनी वैकेंसीज हैं, बट इतना कन्फर्म हो गया कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अपनी स्ट्रेटजी की कि जो आपका एसएससी जेई के एग्ज़ाम होते हैं प्री और मेंस दोनों के बारे में, कि हम उनकी किस तरह से तैयारी करने वाले हैं एंड कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जो एसएससी जेई 2020 की वैकेंसीज स्टार्ट हुई थी, एप्लीकेशन बिगिन हुआ था, वो हुआ था आपका 1 अक्टूबर 2020 को। आई होप सो इतना सबको पता होगा। एंड इसकी लास्ट डेट है दोस्तों अप्लाई करने की, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर और रात के 11:30 बजे तक, ठीक है। अब पेपर वन की इन्होंने डेट कंफर्म कर रखी है कि 22 से 25 मार्च तक पेपर वन आपका होगा 2021 में, ठीक है। अब पेपर टू की डेट अभी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं पेपर वन के बाद लगभग आपको 2.5-3 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है। तो पेपर टू कब होगा आपका, लगभग इसके 3 महीने बाद मान सकते हैं आप इजीली। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं क्या वे इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि फाइनल ईयर वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दे रहा हूँ जो कि एसएससी जेई 2020 का नोटिफिकेशन है। बाकी आप गूगल से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन का पेज नंबर 9 खोलना है और उसका पैराग्राफ नंबर 8.4 को पढ़ना है आपको। तो 8.4 पैराग्राफ में पेज नंबर 9 पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि इस एसएससी जेई का जब आप प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उससे पहले पहले यदि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो डिप्लोमा के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, डेट मीन्स मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, तो आपके पास बीटेक के भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले पहले। आप इसको अच्छे से पढ़ना पेज नंबर 9 को, जिसका पैराग्राफ नंबर 8.4 है, वहाँ से आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल जब हम फॉर्म भरते थे 2018-17 में, तो वहाँ पर आपसे जब फाइनल ईयर के अपेयरिंग वाले बच्चे फॉर्म भरते थे तो वहाँ पर क्या है कि आपसे फाइनल ईयर में जो आपका मतलब डिप्लोमा या बीटेक में जो रिजल्ट होता है उसके परसेंटेज नहीं मांगता था। बट इस वाले फॉर्म में क्या कर रखा है उन्होंने, एक तो रोल नंबर पूछा है आपसे डिप्लोमा या बीटेक जो भी कर रहे हैं आप उसका, उसके अलावा आपसे परसेंटेज भी पूछ रखी हैं। जबकि अभी मैं बात करूं डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट के अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं इसी मंथ में, अक्टूबर लास्ट में ख़त्म हुआ आई थिंक सो, तो उनका भी रिजल्ट आ पाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि 30 अक्टूबर तक पॉसिबल नहीं है। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि 30 अक्टूबर तक उनका रिजल्ट आ सके। तो उस केस में वे सभी बच्चे परसेंटेज क्या भरें उसमें, ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों करने क्या है आपको इसके लिए, देखिए फॉर्म तो आप भर सकते हैं लेकिन आपको पहले अभी वेट करना है, क्या पता आपका रिजल्ट आ ही जाए, क्योंकि लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। तो आप 30 से 2-4 दिन पहले भरना फॉर्म को, अगर रिजल्ट नहीं भी आता किसी केस में तब, ठीक है। अगर रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो करना क्या आपको, उसमें अपने जो भी आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है और फिफ्थ सेमेस्टर का जो भी आपका रिजल्ट रहा है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल करके आपको इसमें फिलअप कर देना है। वो एक एस्टिमेटेड परसेंटेज रहेगा आपका, मतलब क्लियर नहीं रहेगा कि इतना ही आएगा आपका, लेकिन आप उससे एग्ज़ाम दे सकते हैं। मगर दोस्तों अगर आपका परसेंट जितना आपने भरा उससे चेंज आता है और आप दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर भी आप बाहर किए जा सकते हैं। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ आपसे, बट होगा क्या, आप फॉर्म भर लेंगे तो इससे आपके पास नॉलेज रहेगी, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं एसएससी जेई का तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी, और जो आपकी 2021 में वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए आप पहले से ही बहुत अच्छे से तैयार रहेंगे। इसीलिए फॉर्म सभी बच्चों को भरना है एंड ज़रूर भरना है, आप फॉर्म ज़रूर भरें दोस्तों, लेकिन पहले अभी आप वेट कर लें अपने रिजल्ट का। अगर रिजल्ट इस डेट से पहले पहले आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, परसेंटेज आप भर देना। नहीं भी आता तो कोई भी परसेंटेज भर करके आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपको रिजल्ट अपलोड नहीं करना है, इसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला है उन्होंने, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। तो समझ आ गया करना क्या आपको, अभी वेट करना है, लास्ट टाइम पे फॉर्म भरना है आपको। रिजल्ट नहीं आता है
अब ये मत कहना सर आपने ये कह दिया था नहीं बिना रिजल्ट के आप भर सकते हैं, तो अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम हो सकती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको इसीलिए, लेकिन आप फॉर्म ज़रूर भरना, एग्ज़ाम दे सकते हैं इसलिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं इतना? तो आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको फिर भी डाउट है तो आप इस वाले पैराग्राफ को पढ़ लो, वहाँ से आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, अभी तक जो लास्ट ईयर फॉर्म भरे जाते थे उनमें जो आप फ़ोटो लगाते थे अपना फॉर्म पे फ़ोटो, उसमें डेट नहीं डालनी होती थी, मगर नोटिफिकेशन में यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको जो भी फ़ोटो लगाना है पहले तो वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिस डेट में भी आपने फ़ोटो खिंचवाया है उस फ़ोटो के नीचे फ़ोटो की डेट लिखी होनी चाहिए कि इस डेट में ये फ़ोटो खींचा गया था। इसीलिए आपको क्या करना है, फ़ोटो डेट के साथ अपलोड करना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं इतना? इसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों हम डिपार्टमेंट की, कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली हुई हैं। तो ओवरऑल ये 7 डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें की वैकेंसी निकली हुई है SSC JEE के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कौन सा डिपार्टमेंट है एंड उसकी फिर एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि डिप्लोमा वाले बच्चे भर सकते हैं या फिर बीटेक वाले भर सकते हैं या फिर दोनों भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों हम, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है हमारा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, इसके लिए जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो BE और BTEC वाले भर सकते हैं जिन्होंने डिग्री कर रखी है। इसके अलावा डिप्लोमा के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनके पास दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस से मतलब क्या कि आपने डिप्लोमा 2 साल पहले किया होना चाहिए और आप 2 साल तक कहीं भी प्राइवेट जॉब कर रहे हों, इसका मतलब है आपको डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें। तो जो फ्रेशर हैं बच्चे जिन्होंने अभी अभी डिप्लोमा किया है वे इस डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। BRO के लिए वे बच्चे एलिजिबल नहीं है जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। भले ही आपने डिप्लोमा 4 साल पहले कर लिया हो, लेकिन अगर आपके पास 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फॉर्म इसे नहीं भर सकते। BE और BTEC वाले बच्चे भर सकते हैं इसको, एक्सपीरियंस हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात करें दूसरे डिपार्टमेंट की, तो दूसरा है हमारा दोस्तों CPWD। CPWD का मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसको डिप्लोमा के स्टूडेंट भर सकते हैं, ठीक है। इसको डिप्लोमा वाले बच्चे भर सकते हैं लेकिन BRO को नहीं भर सकते, इतना समझ आया। इसके बाद बात करें CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन को भी डिप्लोमा के स्टूडेंट भर सकते हैं। और चौथा है दोस्तों हमारा CW&PRS। CW&PRS का मतलब होता है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशंस। तो इसके लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों भर सकते हैं, डिग्री वाले बच्चे भी भर सकते हैं और इसे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। और पांचवा है हमारा दोस्तों फरक्का बैराज प्रोजेक्ट। तो फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्लियर। इसके बाद छठा है MES। MES मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए सेम एलिजिबिलिटी है BRO वाली, यानी जो एलिजिबिलिटी BRO के लिए थी वही MES के लिए है। इसमें डिग्री मतलब आप डिग्री अगर आपने कर रखा है BE या BTEC तो वे बच्चे भर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा वाले वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, समझ पा रहे हैं। एंड लास्ट है दोस्तों हमारा, लास्ट है NTRO। NTRO का मतलब हो गया नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए डिप्लोमा के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये टोटल 7 डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि सिविल के लिए हैं जिनमें वैकेंसीज SSC JEE की निकली हुई हैं। इनमें से जिनके पास डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है वे इन दोनों डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, BRO में एंड MES में। इसके अलावा आप बाकी सब में कर सकते हैं, CPWD में कर सकते हैं, CWC में कर सकते हैं, CWPRS में कर सकते हैं, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं एंड NTRO में भी फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको इतना समझ आ गया दोस्तों कि किस किस डिपार्टमेंट में फॉर्म निकले हुए हैं एंड कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज़ हमारा एग्ज़ाम पेपर की, यानी एग्जामिनेशन की हम बात करने वाले हैं जो कि आपका पेपर 1 होगा 22 से 25 मार्च को, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास मैक्स टू मैक्स 5 महीने भी हैं। 5 महीने में हमें प्री की तैयारी करनी है पूरी, इसके बाद मेंस होगा इसके 3 महीने बाद। तो मेंस के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम है, 3 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। तो मेन फोकस हम करने वाले हैं पेपर 1 पर। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ पेपर 1 की स्ट्रेटेजी कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, कितने टाइम में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं कि हम पेपर 1 को ईजिली क्वालिफाई कर सकें। तो अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको रफ कर रहा हूँ, मैं हालांकि बताऊँगा आपको दोनों पेपर के बारे में,
कि प्री पेपर आपका कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, कितनी टाइमिंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग कितना होता है, एंड फिर बताऊंगा पेपर टू के बारे में, इनमें कौन सा सीबीटी है, कौन सा रिटेन है, कैसे क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ एंड बात करता हूँ फिर एग्जामिनेशन की। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम एसएससी जेई के एग्जामिनेशन के बारे में कि एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन होता है पेपर वन और पेपर टू वो कितने नंबर का होता है, कितने टाइम में करना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एसएससी जेई का जो पेपर वन होता है वो होता है सीबीटी। सीबीटी का मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या सीबीटी होगा, कंप्यूटर पर आपको देना होगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो अभी फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी अभी पास आउट किया है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो क्या होगा, एक पेपर वन होगा सीबीटी, ये 2 घंटे का होता है दोस्तों, 200 नंबर का होगा टोटल। इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 200 क्वेश्चन को 2 घंटे में कवर करना है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 36 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, अब पेपर वन आपका 2 पार्ट में होता है दोस्तों, एक होता है टेक्निकल एंड दूसरा पार्ट होता है इसका नॉन टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल में 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और नॉन टेक्निकल में भी 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसके भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में आपसे रीजनिंग पूछेगा एंड दूसरे पार्ट में आपसे जीके जीएस पूछता है। तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं जो कि 50 नंबर में होते हैं, एंड 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं जो कि 50 नंबर में होते हैं। इस तरह से 100 नंबर का नॉन टेक्निकल और 100 नंबर का टेक्निकल, टोटल मिला के 200 नंबर हो गए आपके, और 2 घंटे का ये पेपर होता है आपका पेपर वन। इतना समझ आया। इसके बाद दोस्तों आपका पेपर टू होता है, पेपर टू होता है रिटन। रिटन का मतलब क्या, ये तो सीबीटी हो रहा था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा था, तो कंप्यूटर में आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, मतलब ये ऑब्जेक्टिव होता है, MCQs होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें। लेकिन जो पेपर टू है दोस्तों ये रिटेन होगा, लिखना होता है, जैसे आप डिप्लोमा या बीटेक में अपने होम एग्जाम देते हैं, कॉलेज के एग्जाम देते हैं, तो आपको लिखना होता है, सेम वैसा ही आपका ये रिटेन एग्जाम होगा। एंड ये सब्जेक्टिव रहता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते, इसमें क्या रहते हैं आपके, ये क्वेश्चन सब सब्जेक्टिव होंगे, लिखना होता है। ठीक है, आपको पता है, आपने डिप्लोमा बीटेक पास आउट कर रखा है, तो आपको अच्छे से पता है सब्जेक्टिव एग्जाम कैसा होता है। तो सेम कैसा रहेगा, रिटेन होगा, ये भी 2 घंटे का होता है एंड 300 नंबर का होता है। तो ओवरऑल जो आपके दोनों को मिलाकर के कट ऑफ बनेगा 500 में से, मतलब दोस्तों पेपर वन को पहले तो आपको क्वालिफाई करना है, इसके अलावा आपने पेपर वन का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया एंड क्वालिफाई से आपके थोड़े से ओवर नंबर आ गए या केवल क्वालिफाई मार्क्स भी आ रहे हैं, तो वो आपके पेपर टू के लिए कट ऑफ में ऐड होते हैं। मतलब यहाँ पर केवल क्वालिफाई ही नहीं करना है आपको पेपर वन को, पेपर वन के जो नंबर आएंगे वो एंड पेपर टू के जो नंबर आएंगे दोनों को मिला करके फाइनल कट ऑफ बनता है दोस्तों आपका 500 नंबर में से। कितने में से बनेगा, 500 नंबर में से आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। इसीलिए आपको पेपर वन की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, कट ऑफ तो आपको पास करना ही करना पड़ेगा, अगर आप कट ऑफ से नीचे हैं तब तो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आपके जितने भी नंबर आते हैं वो आपके पेपर टू में जो नंबर आएंगे दोनों में ऐड होके तब 500 में से कट ऑफ बनेगा। समझ पा रहे हैं। अब आपको देखिए तैयारी कैसे कैसे करनी है, मैं ये बताने वाला हूँ। तो अभी के लिए हम पेपर टू को तो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, पहले हम बात करेंगे पेपर वन की, जिसकी डेट आपको दे रखी है 22 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक। ये 22 मार्च से 25 मार्च 2021 इसकी एग्जाम डेट है। अभी अक्टूबर है, अक्टूबर में भी 20 दिन बचे हुए हैं एंड 22 मार्च बोला तो 22 मार्च के महीने में भी लगभग 20 दिन है हमारे पास। ठीक है, 20-20-40 दिन ये हो गए, और बीच में कौन कौन सा महीना बचा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 4 महीने ये हो गए। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में तो यही, तो 4 दिन, मतलब 4 महीने 40 दिन, मतलब हो गया 5 महीने 10 दिन। तो मैं केवल 5 महीने मान के चलता हूँ, हमें 5 महीने में पेपर वन को क्वालिफाई करना है, जिसमें से कि टेक्निकल और नॉन टेक दोनों पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, हम कैसे इसकी तैयारी करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, एंड मैं आपको तैयारी कराऊंगा क्या क्या ये भी बताने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ दोस्तों, टेक्निकल जितना पोर्शन है टोटल आपको मैं कवर कराऊंगा, सारा टेक्निकल 100 नंबर का जितना टेक्निकल है सारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंड इसके अलावा रीजनिंग पोर्शन जो आपका 50 नंबर का है ये भी मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा किस बुक से पढ़ना है एंड किस तरह से आपको जीके की तैयारी करनी है। ठीक है,
टेक्निकल एंड रीजनिंग 150 नंबर का मैं आपको कराने वाला हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का टोटल, समझ पा रहे हैं आप। इसके अलावा जो आपका जीके जीएस बचा है, या तो मैं कुछ दिन में कोई एक टीचर का अरेंजमेंट कर दूंगा जो बेस्ट टीचर हो, ठीक है, अपने जीटेक पॉली के लिए ही। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा किस तरह आपको जीके पढ़ना है। मेन पार्ट है दोस्तों हमारा टेक्निकल, क्योंकि अगर टेक्निकल आपका अच्छे से कवर हो जाता है तो नॉन टेक्निक, ये टेक्निकल आपका एक तो पेपर वन में काम करेगा, एंड पेपर टू जो है दोस्तों आपका पूरा का पूरा टेक्निकल होगा, उसमें कोई नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं आता, पेपर टू पूरा टेक्निकल होता है टोटल आपके। अगर आप सिविल ब्रांच से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो कि सिलेबस आपको दिया गया है, तो सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेबस क्या क्या है, एंड इसके अलावा सिलेबस का पीडीएफ दे दूंगा। तो मैं बात करूँ दोस्तों टेक्निकल के सिलेबस के, तो टोटल 12 सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के, टोटल 12 सब्जेक्ट हैं जो कि एसएससी जेई में पूछे जाने वाले हैं, समझ पा रहे हैं। तो आपको इन 12 सब्जेक्ट को ही तैयार करना है बहुत अच्छे से। अब मैं आपको किस वे में पढ़ाऊंगा ये सुन लीजिए ध्यान से, हमें किसी भी सब्जेक्ट पर दोस्तों कोई पीएचडी नहीं करनी है, केवल हमें क्या करना है, इस तरह से पढ़ना है कि हम अपने एग्जाम को अच्छे नंबरों से बीट कर सकें। उसके लिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा सब्जेक्ट के, शॉर्ट नोट्स से क्या फ़ायदा रहेगा, जब हमारा एग्जाम नियर रहेगा तो रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। इसीलिए मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो लगभग एक सब्जेक्ट को 5 से 6 पेज पर, केवल 5 से 6 पेज में पूरा सब्जेक्ट कवर करा दूंगा आपको, ठीक है। मेन पिन पॉइंट हम नोट करेंगे, एंड हम ज़्यादा फोकस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगवाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी लगवाऊंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो सके। पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी तक आपको 2 सब्जेक्ट की कुछ क्लास प्रोवाइड की थी, एक तो बिल्डिंग मटेरियल की क्लास प्रोवाइड कर रखी है, 2 ही क्लास दी है अभी तक उसकी, एंड आपको सर्वे की काफ़ी ज़्यादा क्लास आ चुकी थी, आपको 7-8 क्लास हो गई हैं, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के, 12 सब्जेक्ट हैं, इनमें से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो कि मैक्सिमम मार्क्स में पूछे ही पूछे जाते हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट के मैं 500 क्वेश्चन लगवाऊंगा, मतलब एक सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन, तो 5 के 2500 क्वेश्चन हो गए, तो 2500 तो मैं एमसीक्यूज लगवाऊंगा आपको इन 5 सब्जेक्ट से। इसके अलावा जो आपके 7 सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनसे भी प्रत्येक सब्जेक्ट से लगभग 200-200 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। लेकिन मैं कराऊंगा कैसे, पहले मैं चैप्टर की थ्योरी बताऊंगा आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एंड शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। शॉर्ट नोट्स से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि काफ़ी कम कंटेंट आपको लगेगा, कि बहुत कम पढ़ना है तो आपका मोटिवेशन डेवलप होगा, थोड़ा सा ही पढ़ना रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे हम, पहले बनाएंगे थ्योरी के शॉर्ट नोट्स, एंड चैप्टर वाइज लगाएंगे हम क्वेश्चन। जैसे हमने सर्वे का पहला चैप्टर कंप्लीट किया, एक पेज की थ्योरी में कर लिया पूरा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में, एंड उसी के बाद हम क्या करेंगे, उसके लगभग 50-60 क्वेश्चन करेंगे पहले चैप्टर के, ऐसे ही दूसरे चैप्टर की थ्योरी, फिर उसके क्वेश्चन, तो इस तरह ओवरऑल चैप्टर कवर करेंगे, एंड सभी चैप्टर्स पे क्या करेंगे, एमसीक्यूज भी लगाएंगे हम, समझ पा रहे हैं आप। तो टोटल मैं क्या करूँगा आपको, लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन लगवा दूंगा ओवरऑल 5 महीने में 3-4 हज़ार क्वेश्चन एमसीक्यूज लगाएंगे हम टेक्निकल के, एंड थ्योरी के शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ से आपका क्या फ़ायदा रहेगा दोस्तों, यहाँ से प्री तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, इसके अलावा मेंस एग्जाम के लिए आप पहले से ही काफ़ी ज़्यादा तैयार रहेंगे, मतलब आपका टेक्निकल कोर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका मजबूत रहेगा। फिर मुझे केवल आपको बड़े बड़े कन्वेंशनल क्वेश्चन कराने होंगे मेंस के लिए, एंड 3 महीने में हम इजीली उसको कवर कर लेंगे। अब बात करें हम किसकी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैं आपको कुछ नहीं करना, रीजनिंग में देखिए एसएससी जेई में जो रीजनिंग पूछी जाती है वो सेम टू सेम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पुटअप करते हैं एसएससी वाले। तो हम इसमें लगभग क्या करेंगे, लगभग 10 साल के कह रहे हैं, 8 साल मान लो, ठीक है, लगभग 7-8 पेपर लगा लेंगे प्रीवियस ईयर के, एंड मैं आपको चैप्टर वाइज भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान ट्रिक, तो रीजनिंग बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इस तरह हम क्या करेंगे, ओवरऑल टेक्निकल और रीजनिंग को 5 महीने से पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जीके के लिए क्या करना है आपको, डेली के डेली करंट अफेयर पढ़ना है, मैक्स टू मैक्स आप करंट अफेयर पे फोकस करेंगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, या तो न्यूज़पेपर ले लो आप, या करंट अफेयर किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लिया करो, गूगल कर लिया करो, डेली की न्यूज़ देखो, उससे आपका करंट अफेयर मजबूत होगा, तो 50 में से 10-12 नंबर का आपका करंट अफेयर ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जनरल साइंस पढ़िए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एसएससी जेई में नॉन टेक्निकल पोर्शन में, बायोलॉजी को बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। बाकी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स वगैरह, इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ठीक है।
तो जीके पोर्शन जितना है आपको इसकी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, कोई भी बुक ले लो आप, लूसेंट भी ले सकते हो एंड अदर बुक को भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी रीजनिंग और टेक्निकल पोर्शन मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा, 5 महीने का टाइम है हमारे पास, मैं 5 महीने में काफ़ी मजबूत करा दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन सब्जेक्ट की जो कि हमारे ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं, जैसे कि आपका बिल्डिंग मटेरियल हो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एंड उसके बाद सर्वे हो गया, सर्वे भी काफ़ी अच्छा खासा स्कोर कर रहा है। तो पहले हम 2 सब्जेक्ट को कवर करेंगे टेक्निकल में, जो कि आपके अपने जीटेक पॉली चैनल पर उपलब्ध हैं दोनों की प्लेलिस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेली की आपको 2 क्लास मिला करेंगी, एक क्लास रहेगी किसकी, बिल्डिंग मटेरियल की, दूसरी क्लास रहेगी दोस्तों आपकी सर्वे की, ठीक है। तो सर्वे और बिल्डिंग मटेरियल की, तो सर्वे तो ऑलमोस्ट 50% लगभग कवर हो गया है, इसके 3 चैप्टर की थ्योरी में करा चुका हूँ आपको, एंड इस पर लगभग 200 MCQs भी हम लगा चुके हैं। अब वहीं से आगे मैं सर्वे को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो सर्वे की जो क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है एक भी, जल्दी से जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, लगभग 7-8 क्लास हो चुकी हैं अब तक, और सभी की सभी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार क्वेश्चन देखना है ना, ठीक है। जो मैं आपको थ्योरी में शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे पढ़ना और उसके क्वेश्चन देखना, इसके बाद आप कोई भी बुक उठाना, या आप गुप्ता एंड गुप्ता ले लो, RS खुरमी ले लो, एंड इसके अलावा क्या ले सकते हैं आप, यूथ कॉम्पिटिशन ले लो, 3 बुक हैं प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी हैं तीनों में से कोई सीख ले सकते हो। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक रहती है यूथ कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो बुक आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। और मैं भी आपको यहाँ दोनों में ही पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग में दोनों लैंग्वेज में करूंगा, लेकिन धीरे धीरे करके हमें क्या करना है, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करना है, इसीलिए सारा कंटेंट बाद में हम इंग्लिश में कर लेंगे, क्योंकि टेक्निकल वर्ड को इंग्लिश में ही पढ़ना है, हिंदी में एक एक वर्ड के कई सारे मीनिंग निकल आते हैं, इसलिए कोशिश करना कि आप क्या करें, धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। कुछ नहीं है, सिंपल टेक्निकल वर्ड है, बोलूंगा हिंदी ही में, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स आपके हिंदी में रहेंगे। जैसे हम इलास्टिक पढ़ते हैं, अब हिंदी में उसे प्रत्यास्था बोलते हैं, उसके अलावा हिंदी दूसरा नाम भी उसका लचक, तारिता, कई सारे नाम होते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में प्यारा सा नाम है इलास्टिसिटी। तो आपको इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड याद रखने हैं, इस तरह मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BM एंड सर्वे, इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं मैं, अक्टूबर के मंथ में आपको ये दोनों सब्जेक्ट पूरा करा दूंगा, विद प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी करा दूंगा इन दोनों के, एंड आपको थ्योरी के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हमारे 10 सब्जेक्ट बचेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं आपको सिलेबस नहीं बता रहा, सिलेबस की PDF दे दे रहा हूँ, सिलेबस आप वहाँ से देख लेना, SSJE की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है, आप एक बार पढ़ना, टोटल 12 सब्जेक्ट है मेन, ठीक है। उन 12 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है हमें, प्री और मेंस दोनों के लिए, समझ पा रहे हैं। मैं आपको जब चैप्टर नया कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको सब्जेक्ट का जितना सिलेबस होगा वो बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, केवल मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, पहले हम टेक्निकल पोर्शन कवर करेंगे। और हर संडे को आपको 2 घंटे की क्लास मिला करेगी रीजनिंग की, संडे रीजनिंग पढ़ लेंगे तब भी 5 महीने तक बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर हमारा वो चैप्टर कवर हो जाता है तो आगे के 5-6 चैप्टर आपके वर्बल रीजनिंग के ओवरऑल कवर हो जाएंगे। मैं वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों ही कराऊंगा आपको, पूरे 50 नंबर का, ठीक है। तो शुरू के 2 महीने में हम क्या करेंगे, अगर संडे करेंगे तो 1 महीने में 4 संडे पढ़ते हैं, 2 महीने में 8 संडे हो गए, 8 संडे में लगभग मैं आपको 1-2 घंटे की क्लास में 2-2 चैप्टर भी कराऊंगा, तो 16 चैप्टर आपके ओवरऑल हो जाएंगे, और वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों को मिला करके केवल 30 चैप्टर हैं आपके रीजनिंग में, ठीक है। तो 30 चैप्टर को मैं लगभग 3-4 महीने में इजीली कवर करा दूंगा। मेन फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर हम अच्छे से लगाते रहेंगे तो प्री क्वालिफाई करने में हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, समझ पा रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों अपनी अगली क्लास में सर्वे एंड BM की, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल में मैंने सीमेंट स्टार्ट किया था, 2 क्लास उसकी हो गई है, 3री क्लास में मिलेंगे बिल्डिंग मटेरियल में, एंड इसके बाद सर्वे की 8वीं नवीं जो भी क्लास होगी उसमें मिलते हैं। SSJE लिखा हुआ है, सर्वे फॉर SSJE एंड बिल्डिंग मटेरियल फॉर SSJE, 2 प्लेलिस्ट हैं, दोनों को जल्दी से जाकर के देखना शुरू कर दीजिए। अब आपको डेली के डेली बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। एक दिन में हो सकता है 3 क्लास 4 क्लास, इस तरह से आपको डेली के डेली क्लास मिलेंगी, समझ पा रहे हैं। तो आपको सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वे सब भी चैनल से जुड़ सकें एंड लाभ उठा सकें, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चैनल है जीटेक पॉली। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक्स सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। जितने भी बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये, तो आपको यहाँ से पढ़ते रहना, ठीक है बिल्कुल। और कमेंट्स करने आपको, जो भी आपको इम्प्रूवमेंट कराना, कुछ समझ नहीं आ रहा, तुरंत कमेंट करें। अभी अगर मुझे डेली का 500 बच्चे प्रेजेंट मिलते हैं डेली के, तो मैं लाइव क्लास अरेंज कर दूंगा विद इन मंथ, यानी इसी महीने में आपको लाइव क्लास भी मैं अरेंज कर दूंगा अगर 500 स्टूडेंट डेली के मुझे कंटिन्यू मिल पाते हैं तो, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप एक बार सिलेबस को पढ़ लीजिए, देख लीजिए सिलेबस क्या क्या, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जा करके
आप डाउनलोड कर लें एसएससी जेई का सिलेबस, लिंक दे रखा है नीचे। इसके अलावा नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लें, उसको भी अच्छे से पढ़ लें जो मैंने आपको बताया है। समझ आ गया ना आपको? तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।